मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं वीडियो सीरीज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कौन सा बेस्ट प्रॉब्लम होगा रिविजन करने के लिए जिसके मदद से सारा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बन जाए। और उसके बाद वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा प्रॉब्लम आपको जरूर बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्विक रिव्यू दे रहा हूं, कुछ फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा प्रॉब्लम आपको देखना चाहिए रिविजन के लिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मूला, कुछ बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारा फॉर्मूला होता है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है केवल मैं वही बता रहा हूं जिसके मदद से आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। जैसे यहां पे tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, अगर मैं प्लस लेता हूं तो यहां पे क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x1, और अगर यहां पे माइनस हुआ तो यहां माइनस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होगा वो बराबर होगा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस x into y। अगर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और अगर यहां माइनस है तो यहां पे माइनस आ जाएगा। सेम cos इनवर्स के साथ है, cos इनवर्स x प्लस है तो अगर प्लस तो यहां पे आप माइनस दीजिएगा, यहां माइनस तो यहां पे प्लस दीजिएगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये बराबर होगा cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। उसके बाद आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अगर sin इनवर्स दिया हुआ है, sin इनवर्स से अगर tan इनवर्स में जाना तो कैसे जाएंगे, अगर cos इनवर्स दिया हुआ है cos इनवर्स से अगर हमको cot इनवर्स में जाना है या sec इनवर्स में जाना है या cosec इनवर्स में जाना है तो कैसे हम ट्रांसफॉर्म होंगे। आप देखिएगा क्या कि आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम में इसका जरूरत पड़ता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं sin इनवर्स p / h, p और h और b ये तीनों के बारे में आपको आइडिया है, p आपका परपेंडिकुलर, b आपका बेस और h आपका हाइपोटेन्यूज, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है इसका भी आपको आइडिया होगा। ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम को मानता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि अगर इस तीन में से कोई दो का वैल्यू आपको मालूम है तो तीसरे का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे sin इनवर्स p / h ये बराबर होता है cos इनवर्स b / h, जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b / h, तो ये cos इनवर्स b / h हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p / b, तो ये देखिए क्या हो गया, tan इनवर्स p / b, फिर cot इनवर्स b / p, फिर sec इनवर्स h / b और फिर cosec इनवर्स h / p। तो यहां पे इसके मदद से कोई एक इनवर्स दिया हुआ है तो दूसरे इनवर्स में आप आराम से चेंज हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन है कि अगर आपको इनवर्स में फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे, नहीं सोच पा रहे, तो उस केस में आप देखिए क्या कि अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में है तो x के प्लेस पे a sin थीटा पुट कीजिएगा, और अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप x के यहाँ पे a tan थीटा पुट कीजिए, और अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप x के जगह पे a cosec थीटा पुट कीजिएगा, और अगर आपके पास a माइनस x, a प्लस x, a माइनस x बाई a प्लस x, a प्लस x बाई a माइनस x के फॉर्म में रहेगा तो आप x के यहाँ पे a cos 2 थीटा रखिएगा। सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखिएगा आपका रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ थीटा आ रहा, थीटा के टर्म्स में रिजल्ट आने के बाद वापस आप थीटा से किस में कन्वर्ट कर जाइएगा, एक्स में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका यूज पड़ता है बोर्ड में बहुत ज्यादा वो है टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है रेंज से रिलेटेड, तो देखिए इसमें हमको 10 मिनट में ही हमको सब कुछ देना है, इनवर्स वगैरह बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है तो इतना हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम आपको जस्ट क्या दे रहे हैं, क्विक रिव्यू दे रहे हैं। तो रेंज वाले प्रॉब्लम के लिए आपका एक मतलब कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है बहुत ज्यादा, तो रेंज वाले प्रॉब्लम जनरली बोर्ड में नहीं आते हैं तो वो आप छोड़ सकते हैं, उसको उतना देखने की जरूरत नहीं है, एक दो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं रेंज वाला प्रॉब्लम उसी से आ जाएगा, लेकिन रेंज वाला प्रॉब्लम जनरली
बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रॉब्लम आपको रिवाइज करना चाहिए अच्छे से कि आपका पूरा एक्सरसाइज अच्छे से रिविजन हो जाए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं ज्यादा नहीं, केवल 13 प्रॉब्लम दे रहा हूं रिविजन करने के लिए। अगर आप ये 13 प्रॉब्लम अच्छे से रिविजन कर लेते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आप आराम से खुशी खुशी एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। लेकिन याद नहीं कीजिएगा, इसको अच्छे से समझ के बनाइएगा, क्योंकि मैथ्स से अगर आप एक प्रॉब्लम बनाते हैं तो उसी कंसेप्ट पे आपका 15-20 प्रॉब्लम बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास 13 प्रॉब्लम है, इस 13 प्रॉब्लम को आप अच्छे से जरूर देखें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के रूप में मैं आपको बताऊंगा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बहुत अच्छे से करके जाए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से करके जाए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 जो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपका सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकालना मींस व्हाट, सॉल्व करना मींस व्हाट कि आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद टैन इनवर्स को या जो भी रहेगा साइन इनवर्स को आप राइट हैंड साइड में रख के आप एक्स के रूप में इक्वेशन बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि उसको जाके इक्वेशन में पुट कीजिएगा, सेटिस्फाई करेगा वही सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप जरूर अच्छे से देखें, और ये 13 प्रॉब्लम को तो आप अच्छे से बनाए ही और समझ के बनाए ये 13 प्रॉब्लम। ये पेज मैं अपने FB पेज पे शेयर करूंगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से जाके इस पेज को कलेक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप थोड़ा सा भी बेनिफिटेड है इस वीडियो से, इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक और कमेंट भी करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर करूं। थैंक यू वेरी मच।